अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मूंग की दाल मूंग बनाना सिखाऊंगी। तो आए चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है मूंग की दाल, मैंने इसे 6 से 8 घंटे के लिए भिगो लिया था और अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है, और मैंने ये नमक ले लिया। तो आए चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये दाल को एक कपड़े में निकाल लेना है और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो चलें हम इसे ड्राई कर लेते हैं। अब हमने ये दाल को एक कपड़े में निकाल लिया है और अब हम इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर ये ड्राई सही नहीं होगी तो ये फ्राई भी सही नहीं हो सकती। तो हम इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी दाल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, हमने इसे ड्राई कर लिया है। तो अब हम फ्राई पैन रखेंगे और इसमें 1 कप तेल डालेंगे। अब हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसे मीडियम आँच पर इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें दाल डाल देंगे। इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, हमने इसमें दाल ऐड कर दी है और अब हम इसे फ्राई होने रखेंगे। और जब ये रेड ब्राउनिश सा इसमें शेड आने लगेगा तो हम इसे उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि दाल पे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया और ये हमारी दाल फ्राई हो गई है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी दाल मूंग की दाल वाली तैयार है और अब हम इसमें नमक ऐड कर दें। और अब हमने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी दाल मूंग तैयार है।